योगी आदित्यनाथ का आज मुजफ्फरनगर और बिजनौर दौरा है। प्रदेश भर में आज वृक्षारोपण जन अभियान की शुरुआत हो रही है। आज 22 जुलाई को 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य है। देखिए बिजनौर में सुबह 11 बजे अभियान का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभियान की शुरुआत करेंगे। मुजफ्फरनगर में 12:30 बजे अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस अभियान की शुरुआत मुजफ्फरनगर में 12:30 बजे अभियान की शुरुआत की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा वृहद वृक्षारोपण अभियान 2023 से देखिए आज इस अभियान की शुरुआत होगी। तो देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वृक्षारोपण अभियान और सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज रहेंगे मुजफ्फरनगर के दौरे पर। हमारे साथ संवाददाता संजय चौहान जुड़ गए लखनऊ से। इसके अलावा मुजफ्फरनगर से सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारे साथ रोहित जुड़े हुए हैं बिजनौर से। सबसे पहले संजय आपका ही रुख करते हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है इस कार्यक्रम को लेकर और क्या जो दौरे को लेकर जानकारी आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल, मैं बताऊँ आपको कि वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम सरकार कर रही है। इसकी तैयारियाँ पिछले कई महीनों से सरकार कर रही थी और अब पूरी तैयारियों को जमीन पे उतारने की बारी है। तो ऐसे में पूरी सरकार, सीएम समेत दोनों डिप्टी सीएम और सभी मंत्रियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि बड़ा लक्ष्य है, 35 करोड़ से भी ज़्यादा के वृक्ष लगाए जाने का लक्ष्य रखा है। एक दिन में इस लक्ष्य की जो प्राप्ति है वो करना है। सरकार, यूपी सरकार योगी 1 और 2 लगातार अपने वृक्षारोपण के अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए नए रिकॉर्ड लगातार बना रही है। तो आज एक नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे मंत्रियों की फौज उतारी गई है और डिप्टी अगर सीएम की बात करें तो मुजफ्फरनगर और बिजनौर में उनका कार्यक्रम है, वहाँ पर वो वृक्षारोपण के कार्यक्रम की आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम को भी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी और प्रयागराज में इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वही जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं वो सीधे पड़ोस के जनपद बाराबंकी में वृक्षारोपण के अभियान में शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से संदेश दिया है कि पर्यावरण को कैसे स्वस्थ और स्वच्छ बनाया जा सके, उसको लेकर के पौधा लगाना बेहद जरूरी है और इसके लिए उन्होंने तमाम जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो ऐसे में अपने अपने क्षेत्र में विधायक भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शांतनु, ठीक है, मुजफ्फरनगर से सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, क्या जानकारी सामने आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए शांतनु, आपको बता दूं तकरीबन 12 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट मंत्री जो स्वतंत्र देव सिंह हैं उनके साथ मुजफ्फरनगर के सुक्करताल पहुंचेंगे। तो सर्वप्रथम वहां पहुंचने के पत्रात पहले वहां पौधारोपण करेंगे और उसके बाद आज सुक्करताल को मुख्यमंत्री गंगा की एक बड़ी सौगात एक बजट के रूप में पेश करेंगे, जिसके बाद जो बजट है वो चलता रहेगा और जल्द सुक्करताल में गंगा की जो धारा है वो पहुंच पाएंगी, जिसका पिछले कई वर्षों से साधु संत मुख्यमंत्री से मांग कर रहे थे कि सुक्करताल को गंगा की सौगात दी जाए। तो कहीं ना कहीं आज साधु संतों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि आज सुक्करताल को गंगा की सौगात मिलेगी। ये तीर्थ स्थल है, इसके पश्चात वो वहाँ श्रद्धांजलि सभा भी करेंगे और उसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु संतों और बीजेपी के जो नेता है उनके साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी शांतनु, पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ तो वहां पर किस तरह की तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं और उनके वहां पर पहुंचने की टाइमिंग को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? रोहित, क्या आपको आवाज आ रही है? शांतनु, मैं आपको बता दूं जो है मुख्यमंत्री 11 बजे जो है बिजनौर के विदुर कुटी पहुंचेंगे, साथ ही साथ जो है उनका जो सबसे पहले है वो वृक्षारोपण को लेकर जो है मत गंग नहर है विदुर कुटी में, वहां पर जो है कल वृक्ष का जो है पौधा रोपण करेंगे, साथ ही साथ जो है पास में ही जो है 200 मीटर पर जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन शांतनु, सबसे बड़ा मामला ये है कि आज अचानक से मौसम खराब हुआ है। इस मौसम को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि सीएम के कार्यक्रम में थोड़ी बहुत परेशानी भी आ सकती है, क्योंकि अचानक से एकदम मौसम पलटा है और सुबह 9 बजे से जो है बिजनौर जनपद में बारिश हो रही है। साथ ही साथ सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा जो है सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहले जो है
जहां वन महोत्सव कार्यक्रम का आज से आगाज हो रहा है, तो उसी के चलते हुए सीएम बिजनौर से वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत जो है आज यहां कल वृक्ष का जो है पौधारोपण करके शुरुआत करेंगे। शांतनु बिल्कुल, और देखिए संजय, अगर बात की जाए कि जिस तरह से कहा जाए कि बहुत बड़ा लक्ष्य जो है वो रखा गया है इस पौधारोपण के जरिए, तो ये लक्ष्य जो है किस तरह से न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ बल्कि दोनों डिप्टी सीएम का भी कहा जा रहा है, इसके अलावा राज्यपाल जो है वो भी इस अभियान में शामिल होंगी। संजय, तो दोनों डिप्टी सीएम और राज्यपाल का जो दौरा है उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं उनकी भी कहा जाए कि ड्यूटी लगाई गई है इस वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि दोनों ही डिप्टी सीएम के साथ राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कई सांसद हैं, रीता बोगड़ा जोशी भी डायमंड पार्क में 10 बजे जो कार्यक्रम है वो करने वाली हैं, वृक्षारोपण का अभियान में शामिल होंगी। उसके साथ ही एके शर्मा जो प्रभार जनपद है वो अपने प्रभारी जनपद पर पहुँचेंगे। इसी तरीके से दानिश आज़ाद हैं, वो अपने गृह जनपद में पहुँच करके और जो मदरसे हैं वहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। सुरेश खन्ना, दयाशंकर सिंह, जयबीर सिंह, इन तमाम जो मंत्री हैं इन सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी इस पूरे वृक्षारोपण के कार्यक्रम को बृहद ढंग से करने के निर्देश जारी किए गए थे सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। सरकार का ये कहा जा सकता है कि ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत है कि वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा किए जाए, और यही वजह है कि 35 करोड़ का भारी भरकम लक्ष्य वन विभाग को सौंपा गया, और इसके लिए तमाम जो संगठन हैं उन संगठनों का भी साथ लिया गया है। तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनका भी साथ लिया गया है, साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों को भी इस पूरे महालक्ष्य को पूरा करने के लिए उनका साथ लिया गया है। सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और राज्यपाल से भी अपील की गई थी इस कार्यक्रम में शिरकत करने की, तो कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम को समय पर पूरा करने की एक बड़ी चुनौती थी, उसे उस लक्ष्य को आज पूरा करेगी सरकार, और उसके लिए पूरी तैयारियां जमीन पर उतार दी गई हैं। शांतनु बिल्कुल, एक बहुत बड़ा लक्ष्य है सचिन, अगर बात की जाए जिस तरह से कहा जा रहा है कि देखिए लगभग 30-35 करोड़ जो पौधे हैं वो आज लगाने का लक्ष्य रखा गया है, एक दिन में इतने सारे पौधे लगाएंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि मुजफ्फरनगर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, और इसके अलावा क्या कार्यक्रम है सचिन, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? सुना एक जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। देखिए शांतनु, जैसा ही 12:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर के शुक्करताल पहुंचेंगे, वो गंगा की जो गंगा घाट है वहाँ शुक्करताल में उसके किनारे पहले तो पौधारोपण करेंगे अपने जनप्रतिनिधियों के साथ, जिसमें साधु संत भी क्षेत्र के शामिल होंगे। उसके तुरंत बाद वो वहीं एक श्रद्धा सुमन, एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे वहाँ के महत को, जो जिनकी समाधि है वहाँ। उसके बाद वो एक साधु संतों की जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें क्षेत्र के लोग और जनप्रतिनिधि होंगे। इस सभी तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन 2 दिन से बेहद अलर्ट पर है और लगातार हर तैयारियों का निरीक्षण बारीकी से SSP और DM जमीन स्तर पर उतर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी पश्चात देखा जा रहा है कि मौसम ने जिस तरह से सुबह से करवट बदली है, धीमी धीमी बरसात यहाँ हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो 12:30 बजे का है, लेकिन हो सकता है कि बारिश के चलते वो कार्यक्रम थोड़े और लेट हो पाए। अगर कहीं ना कहीं ये बारिश नहीं रुक पाई तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम रद्द भी हो सकता है। जी शांतनु बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि मौसम को लेकर भी अपडेट सामने आ रहा है रोहित, चूंकि मौसम जैसा कि आप बता रहे हैं कि मौसम जो है वहाँ पर ख़राब हो रहा है, बारिश लगातार हो रही है, तो ऐसे में किस तरह की जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं, और क्या जो चुनौतियाँ नई अब कहा जाए कि मौसम को लेकर सामने आ रही है उनको किस तरह से निपटा जा रहा है? बिल्कुल शांतनु, मैं आपको बता दूं जो है मौसम अचानक से खराब हुआ है, साथ ही साथ जो है प्रशासन द्वारा सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। वहीं पर अगर बारिश नहीं रुकती है और ये जो तेज हवाएं हैं उससे कहीं ना कहीं कार्यक्रम में जो है रुकावट आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो 11 बजे का टाइम है वो 15-20 मिनट जो है मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर विदुकुटी में देर से उतरे, लेकिन अभी जो मौसम की स्थिति है उसको देखते हुए हम साफ तौर से भी ये नहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। बहरहाल प्रशासन द्वारा सभी तैयारियों को पूरा किया गया है, लेकिन मौसम कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में आड़े आ रहा है। शांतनु बिल्कुल, कहा जाए कि मौसम को देखते हुए आगे फैसला लिया जाएगा कि आखिर क्या कुछ होगा इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा या फिर कार्यक्रम को कहा जाए कि पोस्टपोन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका, रोहित आपका भी, संजय आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट।